अभय जी आपके पास आना चाहेंगे। आपसे मेरा सवाल यह होगा कि जो काम रेरा को स्वतः संज्ञान लेते हुए पहले ही कर देना चाहिए था, उस पर हाईकोर्ट के डंडे का इंतजार क्यों किया गया? क्या एसआरओ, रेटिंग, कंसिलेशन फोरम इससे ज्यादा जरूरी थे कि बुनियादी चीजों से ध्यान ही भटक गया? दीपक जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, और एक सेकंड अगर आप मेरे को दें तो ये जो जजमेंट आया है महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट का, इसमें जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो मैं जनता के, आपके दर्शकों के सामने लाना चाहता हूँ। पहला तो ये कि इस जजमेंट में ये कहा गया है कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो है वो फ्रॉडुलेंटली इशू हुए हैं और उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र कह रहा है कि ठीक है अगर ऐसा हुआ है तो मैंने उन प्रोजेक्ट को रिवोक कर दिया अंडर सेक्शन 7(1) हमने, और वैसे जो प्रोजेक्ट रिवोक किए गए हैं वो लगभग 65 प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप ये बात को समझिए कि 65 प्रोजेक्ट, एक के बाद एक गलती होती चली गई और 65 प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गए, ये तो जितने सामने आए, जो सामने नहीं आए होंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। और मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर 65 प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गए और आपने उसको रिवोक कर दिया उसके रजिस्ट्रेशन को, तो इससे क्या महाराष्ट्र रेरा की जिम्मेदारी खत्म हो जा रही है? तो जो उसमें होम बायर था, मेरे को मतलब नहीं है कि अथॉरिटीज ने नक्शा दिया नहीं दिया, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉडेंटली हुआ, ये सब सब बात की बातें हैं। मेरा, मैं तो आज कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेटिव होकर आपके शो पर बैठा हूं। मेरा सवाल ये है कि जब ये एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया और उसमें डेफिनेटली बुकिंग शुरू हो गई होगी, जैसा इसमें कहा गया है कि 57 FIR फाइल किए गए, 6 स्ट्रक्चर फुल्ली डिमोलिश कर दिए गए, 4 पार्शियली डिमोलिश किए गए और 48 में जो फुल्ली ऑक्यूपाइड है उनको पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो उसको खाली कराए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 67 प्रोजेक्ट का रिवोकेशन हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी क्या महारेरा पर नहीं पड़ रही है कि जो उन लोगों ने उनके रजिस्ट्रेशन को देख करके बुक किया था वो अब कहां जाएंगे? उसके बारे में इस जजमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। और मैं दीपक जी आपके सवाल का सीधा उत्तर देता हूं कि मैं इन सभी चीजों के लिए जो प्रथम पहली जो अथॉरिटी कंस्टिट्यूट की गई 2016-17 में जब एक्ट आया और जो अथॉरिटी बनी, चाहे वो किसी भी स्टेट में बनी, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पहले देखे कि पहले क्या जरूरत है, रादर देन कि वो दौड़ के सेक्शन 32 पर चले गए जिसमें कंसिलिएशन फोरम करने लगे, ग्रेडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स करने लगे, लेबर ट्रेनिंग करने लगे, ये सब चीजों को छोड़ करके अगर वो सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 इसमें फोकस किए होते तो आज हम लोग को ये जो परेशानी होम बायर को उठानी पड़ रही, बिकॉज ये सारा का भुगत तो रहा है होम बायर और तो कोई भुगत नहीं रहा, सब तो कह दिया कि मैंने रिवोक कर दिया। बिल्कुल। अभय सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ठीक है महाराष्ट्र रेरा के लिए आदेश आ गया है, लेकिन अन्य राज्यों का क्या? क्या आप लोग सीएसी में ये बात रखेंगे कि अन्य राज्य भी इस तरह की व्यवस्था जल्द से जल्द लागू करें? दीपक जी, पहला तो ये कि जो ये जजमेंट आया है, मैंने ऑलरेडी हाउसिंग मिनिस्ट्री के सभी अफसरों के साथ जो इससे जुड़े हुए हैं सबके साथ शेयर कर दिया है और मेरी थोड़ी बात भी हुई है इसको लेकर के, ये पहली बात। दूसरी बात की लास्ट दो जो होम बायर्स के साथ में जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें, इसके पहले वाली जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें मेरा पहला पॉइंट ये था कि मैकेनिकल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन है और मैंने जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल है और उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ उनको सामने सारी चीजें रख दी थी। तो जहां तक आपका सवाल है कि क्या सब जगह, मैं देखिए एज अ होम बायर आप मेरे को कहेंगे, मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं सबके सामने इन चीजों को ले आऊं, लेकिन काम करना अल्टीमेटली तो रेरा अथॉरिटीज को है और कुछ डायरेक्शन अगर चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग दे सकती है। लेकिन सवाल घूम के यहीं पे आ जाता है कि अगर अमित केडिया जी को इतनी चीजें पता हैं तो क्या इस देश में केवल अमित केडिया जी इतने जानकार हैं जिनको ये सब नॉलेज है और बाकी जो रेरा में है वो एकदम नॉलेजेबल नहीं है? तो आपने जो कहा वो इच्छा शक्ति की कमी है, और नॉट ओनली दैट, इसके साथ एक सीध और जोड़ दीजिए कि जानबूझ के जिस दिशा में आपको देखना है आप देख नहीं रहे हैं, आप दौड़ के जाते हैं कि हम ग्रेडिंग कर दें, हम कंसिलिएशन फोरम बैठा दें, हम एसआरओ बना दें, एसआरओ को जिसका प्रोविजन ही नहीं है इसमें रेरा में वो भी आप कर दिए, वहां पर आप जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के नाम पर बहुत वाहवाही भी बटोर लिए, लेकिन जो काम इसमें साफ लिखा हुआ है उसके लिए मेरे को अमित केडिया की जरूरत है कि अमित केडिया जी आएंगे अपने बुद्धि, अपने नॉलेज, अपने विवेक से, बहुत बुद्धिमान आदमी है, वो हम लोग को ज्ञान देंगे, तब हम लोग समझेंगे कि रेरा में क्या लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये उनको पता ही नहीं था या क्या वो जानबूझ के दूसरी तरफ देख रहे हैं जहां उनको काम करना चाहिए वो करना नहीं चाहते हैं, डिस्पाइट की मीडिया से लेकर के और हम लोग हर फोरम में इस बात को उठा रहे हैं और राइटिंग में लिख के दिया हुआ है सारी चीजें। और आज इसकी वजह से कौन सफर कर रहा है? वही सफर कर रहा है जो रेरा आने के पहले सफर करता था, वो है होम बायर।